मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा हैं। उनकी इस संजीदगी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे खुद रोजाना सुबह एक पेड़ लगाते हैं और आम जनता से भी अपने जन्म दिवस सहित अन्य अवसरों पर एक पेड़ लगाने की अपील करते हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में उनके इस मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी में विकास के नाम पर किस तरह से सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, इनमें कई वृक्ष ऐसे हैं जो करीब 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन पेड़ों के कटने से रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों में खासी नाराजगी है। उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन लाख टके का सवाल भोपाल नगर निगम के ऊपर उठता है कि भोपाल नगर निगम की नाक के नीचे उनकी आंखों के सामने किस तरह से हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है और नगर निगम आंख मूंदे बैठा है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई है कि नगर निगम से 7 दिन पहले परमिशन ली है, लेकिन ये निरंतर 1 साल से बराबर पेड़ काटे जा रहे हैं। वो काफ़ी पेड़ काट के मिट्टी के अंदर दबा दिए गए, कोई देखने वाला नहीं है। अगर नगर निगम ने परमिशन दी है तो ये किसकी देख रेख में ये पेड़ काटे जा रहे हैं? तो ये हमारा सवाल है कि एक बार आके यहाँ पर देखा जाए कि कितने पेड़ हैं। 100 पेड़ की परमिशन दी है तो कितने सैकड़ों पेड़ तो वो काट ही चुके हैं, वो कितने सैकड़ों काटना बाकी है। तो निवेदन करता हूँ मैं, जिनने परमिशन दी है तो एक बार आएँ और आकर देखें कि इनकी गिनती होना चाहिए कि 100 पेड़ ही काटें, इससे ज़्यादा पेड़ ना काटें। अगर ऐसा आगे भी होता है तो यहाँ के रहवासी एक आंदोलन करने का विचार करेंगे। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने पेड़ हैं और कोई देखने वाला नहीं है अभी तक तो। और एक तरफ पेड़ लगाओ का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में जहाँ पे बहुत हरी भरी कॉलोनी है इसको उजाड़ा जा रहा है। और यहीं पर रहता हूँ मैं, और ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ये कई वर्षों पुराने हैं, 100 साल कम से कम। मैं अगर 40 साल का हो गया हूँ तो उसके पहले के ये बहुत पेड़ हैं। और ये पेड़ इतने काट दिए इन्होंने, हरे भरे पेड़ उखाड़ दिए हैं। हमने इसकी शिकायत भी करी लेकिन वो कहते हैं परमिशन है। और परमिशन अगर है तो मैंने पेपर में पढ़ा, पत्रिका में भी आया था कि 7 दिन पहले ही निगम ने इतने परमिशन दी है। अगर 7 दिन पहले दिए तो सालों से ये पेड़ काट रहा है, 1 साल हो गया, पीछे और पेड़ काटे, वो 100 पेड़ काटने की इनको अनुमति थी, 100 से ज़्यादा तो पहले काट चुके हैं, तो अभी ये काट रहे हैं, इसका इस पर कार्रवाई कौन करेगा? और जब से रेलवे ने प्राइवेटाइजेशन कर दी, अपने मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अधिनियम नियम ये कहता है कि या तो अगर आपको अगर निगम नया पर्यावरण ने किसी ने आपको अनुमति दी है तो या तो निगम का आदमी आके चेक करेगा या पर्यावरण वाला आदमी आके कटवाएगा। लेकिन आपने खुद ही अपने हिसाब से काट रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी है जो कि रीडेवलपमेंट के नाम से यहाँ पर उन्होंने टेंडर लेके रखा, RLD दिल्ली की कोई कंपनी है और वो रेलवे ने उनको दे के रखा है, 99 साल की लीज पर है वो। तो उसके लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई है, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मैंने वीडियो डाले हैं। अब मुहिम चला रहे हैं कि पेड़ बचाएं, क्योंकि एक तरफ शिवराज जी कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि पेड़ लगाइए, और एक तरफ आप हजारों पेड़ यहाँ पे ऐसे ऐसे काट के फेंक देंगे तो कैसे काम चलेगा।